हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम भैया सुबह के साथ और मैं जा रहा हूँ साइकिलिंग करने जा रहा हूँ। साइकिलिंग ही कर रहा हूँ। तो आज फिर से मूड कर गया साइकिलिंग करने का। साइकिल निकाला, हवा कम थी, पहले हवा भरी दोनों टायरों में, तो फिर हवा कम थी तो हवा भर के तो मैं जस्ट निकल गया साइकिलिंग करने। साइकिलिंग करने जा रहा हूँ मैं इस टाइम पे। तो रात को बारिश हुई थी, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया उस वजह से। तो यार साइकिलिंग वगैरह करनी चाहिए यार, अपनी मर्जी है। कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं, कुछ लोग जॉगिंग करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो कुछ भी करो लेकिन कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए यार। उससे शरीर फिट रहता है यार, बॉडी फिट रहती है। तो कुछ लोग बोलते हैं मुझे इतना पतला है, फिर भी तू रनिंग करता है, साइकिलिंग करता है, इतना पतला है तू, तुझे क्या ज़रूरत है करने की। भाई मेरी मर्जी यार, मज़ा आता है यार, हो गया हो गया। कब कोई बोलेगा कि तू क्यों करता, उसके पास सुन के हम बंद कर देंगे? ना यार, ऐसा नहीं होना। जो आपका मूड, जो आपको अच्छा लगे वो करो। ये वाला साइकिल यहाँ पे छोड़ के ये वाला ले जाऊँ? ना यार, बड़ा अजीब लगेगा चलाने में यार। अपना वाला ही बेस्ट है यार। अरे कैसा यार साइकिल, जो भी है यार ठीक है, मगर अपना वाला बेस्ट है यार। ये चलाते वक्त बड़ा अजीब लगेगा यार। ऐसा ना हो ये वाला साइकिल ले जाऊँ तो जब वापसी यहाँ पे छोड़ने जाऊँ तो देखूँ अपना वाला भी गायब है। तो अपना वाले लेते हैं यार। भी आया हूँ नारियल पानी पीने। नारियल पानी पीते हैं सुबह सुबह, नारियल पानी पीना चाहिए यार। तो अभी का सीन ऐसे है, करते हैं लंच, और लंच करने के बाद मुझे स्कूटी का कुछ काम है तो वो करवाने जाना है। तो पहले करते हैं लंच, चलते हैं किचन में। क्या हो रही है? क्या सॉरी यार, नहीं ला सकता, डांट पड़ेगी मामा से। मम्मा ने कल क्या बोला? चिप्स चुप्स हॉट डॉग वोडॉग नहीं खाने यार, मेरे को डांट पड़ जाएगी ना यार। अच्छा मम्मा ने बोली तू भी लेके आया इसके लिए, मैं क्या बोलूंगा? चल बाहर, तू पापा किचन में चली जाती है, चल बाहर, चल पैसे दे, फिर पैसे दे यार। तो यार ये देखो, रोटी खाते दाग लग गया यार, शर्ट चेंज करनी पड़ेगी यार, पता ही नहीं चला। तो छोटी बच्ची हो क्या? तो हॉट डॉग पैक करा लिया, तो मम्मा ने पहले बोला था कि हॉट डॉग मोमोज वगैरह नहीं खाने, उसको डांट पड़ी थी सोना को, तो उसने उससे मंगा लिया। मम्मा को पता नहीं चलेगा, ये सोच रही मम्मा को पता नहीं चलेगा। मम्मा गई हुई है मंदिर, तो सोचा कि मम्मा को पता नहीं चलेगा, जो मम्मा जो बाद में मेरा ब्लॉग देखेगी उसको पता चल ही जाएगा कि इसने होंडा खाया था, और फिर उसको दोबारा डांट पड़ेगी। अरे देखना ये टूट गया यार, स्कूटी का शीशा यार, टेप लगाई थी, कोई टेप भी उखाड़ के चला गया। वहाँ पे गया था मैंने, इसका रेट पूछा शीशे का, ये टूटा हुआ ना यहाँ पे, तो पूछा, वो बोलता 2500-3000 के बीच भी ठीक होगा। तो मैं वहाँ से वापस आ गया, मैं छठ पर टेप लगा के काम चला लेते हैं फिलहाल। टाइम मैं हूँ पार्क में, शाम का टाइम है, तो मैं सोचा चक्कर शक्कर लगाते हैं पार्क में। तो आते आते घर से सोहानी ने मुझे बोल दिया कि जब तक उसके 1K सब्सक्राइबर नहीं हुए थे उसको व्लॉग में नहीं लेना।
मतलब कि अब मैं जो आगे से जो ब्लॉग बनाऊंगा उसको अपने ब्लॉग में नहीं लूँगा, ऐसी अपने उसने बोल दिया, कुछ भी ना सोचे समझे बोल दिया कि मेरे को ब्लॉग में नहीं लेना जब तक मेरे 1K सब्सक्राइबर नहीं हो जाते। यार टेंशन में डाल दिया यार, तब उसके मतलब 742 कुछ ऐसा करके है, तो जल्दी से जल्दी उसके 1K करा दो यार, कर दो जल्दी से जल्दी उसके 1K सब्सक्राइबर यार, ताकि उसके बाद मैं उसको अपने ब्लॉग में ले सकूँ। अब करना पड़ेगा यार, उसने बोला ये चैलेंज उसने मेरे को दिया हुआ यार, उसको मेरे जो आज वाला ब्लॉग बना रहा हूँ सिर्फ आज वाले ब्लॉग में होगी वो, उसके आगे जितने भी ब्लॉग वगैरह बनाऊँगा उसमें वो नहीं होगी, मतलब कि 1K होने के बाद आएगी ब्लॉग में। तो उसके बाद तो यार उसको सपोर्ट करो यार, चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो यार, और साथ में यार कुछ लोग होते हैं जो जल्दी फेमस होने के चक्कर में किसी जिसका चैनल ग्रो हो गया जो फेमस हो गया उसके साथ कोलैब करते हैं, तो वो उनकी अपनी मर्जी है यार, तो मगर अपने दम पर जो अपने दम पे सक्सेसफुल होता है उसका मज़ा ही कुछ और होता है यार। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो यार सुहानी मल्होत्रा यूट्यूब चैनल यार। तो ये लास्ट टाइम मेरे ब्लॉग में आई है, इसने कहा कि जब तक इसके 1K नहीं हो जाते तब तक मुझे ब्लॉग में नहीं लेना, तो आज जो ब्लॉग बना रहा हूँ वो इस आज मेरे ब्लॉग में आएगी, उसके आगे वाले में नहीं आएगी। तू सीरियस है तुम्हारे में? आर यू सीरियस? बोल ना, मैं ब्लॉगिंग छोड़ दूंगी। कुछ भी। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। पपेलो